केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि पार्टी की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना के विचार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल ने संवाददाताओं से ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से ज्यादातर घटक दल जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा, कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, सबकी सहमति से जाति आधारित जनगणना के विचार का समर्थन करने का फैसला हुआ। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के लिए भाजपा पर पुरजोर दबाव बनाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा, ये राजनीतिक निर्णय नहीं है बल्कि न्याय का निर्णय है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भाजपा जाति आधारित जनगणना कराने में अक्षम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये दावा भी किया कि भाजपा ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करती बल्कि उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक एक्सरे की तरह है जिससे ओबीसी और अन्य वर्गों की स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर भाजपा ये एक्सरे क्यों नहीं चाहते। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को यहाँ बैठक हुई जिसमें जाति आधारित जनगणना और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रणनीति और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। कार्य समिति की बैठक ऐसे वक्त में हुई जब कुछ विपक्षी दलों के नेता केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में हालिया कार्रवाई, दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी है। सवाल, आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की, देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए ये मजा, देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी, मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब इसका क्या कनेक्शन है? हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वो हैं कितने, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। कनेक्शन क्या है? ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का, कि भैया उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे, एक है। हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है, यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा, उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया।
मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं, हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है, दलित वर्ग को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है। यह हिस्टोरिकल सवाल है और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो इकोनॉमिक मॉडल होगा, पॉलिटिकल मॉडल होगा, इसी बेसिस पे बनेगा।